सुप्रीम कोर्ट ने सानहा मॉरल टाउन केस में नई जीआईटी के कायम के लिए लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार, जस्टिस आसिफ सईद खोसा समेत 5 जजेस शामिल होंगे। लार्जर बेंच 5 दिसंबर से केस पर समाप्त करेगा। बेंच में दीगर सूबों की नुमाइंदगी भी होगी। चीफ जस्टिस साकिब निसार। सानहा मॉरल टाउन केस में नई जीआईटी बनाने का मामला, शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं हुए। शहबाज शरीफ ने लिख कर दिया कि वो पेश नहीं होना चाहते। डीजी नैब सलीम शहजाद, केस की दोबारा तफ्तीश के लिए नई जीआईटी तश्कील दी जाए। डॉक्टर ताहिर कादरी की अदालत से इस्तदा, तैयारी के लिए वक्त दरकार है। शहबाज शरीफ के वकील आसम नजीर ने अदालत से वक्त मांग लिया। गुल्लू बट भी अदालत में पेश, मेरा कोई कसूर नहीं, जो चीफ जस्टिस हुक्म दे वो कबूल होगा। गुल्लू बट दौरान समाप्त तस्वीर करता रहा। सानहा मॉरल टाउन के मुतासरीन का सुप्रीम कोर्ट के बाहर मुजाहरा, खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शरीक। अदालत के बाहर शदीद नारेबाजी, मुजाहरीन की चीफ जस्टिस और पाकिस्तान से इंसाफ की अपील। इंसाफ के लिए सारी उम्र भी लगानी पड़ी तो लगाएंगे, सानहा मॉरल टाउन के मुतासरीन इंसाफ के मुंतजर हैं। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच 5 दिसंबर से समाप्त करेगा। अदालत से जल्द इंसाफ की अपील है। खुरम नवाज गंडापुर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। यूनाइटेड क्रिश्चियन अस्पताल की बहाली, चीफ जस्टिस ने अस्पताल की अराजी पर कब्जे खत्म करवाने का हुक्म दे दिया। अस्पताल खंडर बन गया है, ना बिजली है ना ही डॉक्टर्स। जस्टिस मियां साकिब निसार ने 4 बजे बहाली कमेटी की मीटिंग तलब कर ली। साथी बुकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने पर वकील सरापा एहतजाज। बुकला ने सीनियर जुडिशियल मजिस्ट्रेट अजमतुल्ला आवान और जुडिशियल मजिस्ट्रेट असद गुजर की अदालत की जबरदस्ती तारामंती कर दी। झूठी एफआईआर खिलाफ करने के तक एहतजाज जारी रहेगा। मुजाहरीन, लड़की को अगवा करने का मामला, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक अब्बासी ने आईजी पंजाब समेत दीगर हुकाम से 27 नवंबर को रिपोर्ट तलब कर ली। सीआईए पुलिस ने बेटी को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा हुआ है। अदालत बाजियाब करवाने का हुक्म दे, दरख्वास्त गुजार। दावत दीन का एक रोशन बाब, अमीर आलमी तबलीगी जमात हाजी अब्दुल बहाब सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में हजारों अफराद की शिरकत। वजीर आजम, चीफ जस्टिस, वजीर आला पंजाब नवाज शरीफ और सराजुल हक समेत सियासी और समाजी शख्सियात का इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। दीनी खिदमत को शानदार करार दिया। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को अल्लाह और रसूल के लिए फना करके दूसरों के नफे का सामान करते हैं। मौलाना तारिक जमील, हाजी अब्दुल वहाब की वफात पर मौलाना नजरुल रहमान को तबलीगी जमात का नया अमीर मुंतखब कर लिया गया। रावण तबलीगी मरकज में रोजाना की बुनियाद पर होने वाली मुशावरत की जिम्मेदारी मौलाना नजरुल रहमान के सपोर्ट कर दी गई। नबी आखिरी जुम्मा रहमतुल्लिल आलमीन, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हर दिल सरशार। 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलातुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न मनाने की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। झंडियां, बरके कुमकुमे और दीगर सामान, गंपत रोड पर सजावटी अशिया खरीदने वालों का रश, आशिकान रसूल की बड़ी तादाद उमड़ आई। हज़रत अजीज़ुद्दीन अलमारूफ पीर मक्की रहमतुल्लाह अलैहे के 828 में उर्स का आज दूसरा रोज़ दरूद व सलाम नाक की महाफिल, मुल्क भर से अकीदतमंदों की जौक दर जौक आमद का सिलसिला जारी। और अदब, सकाफत, सहाफत और सियासत के रंग बखेरने के बाद फैस मेले का अहतमाम। फेस्टिवल कई हसीन यादें छोड़ गया। भारतीय अदाकारा शुबाना आजमी और जावेद अख्तर समेत कई गैर मुल्कियों ने फेस्टिवल को रौनक बख्शी। अदबियों, शायरों और फनकारों ने खुलकर इजहार ख्याल किया। गीत, सास, आवाज और रक्स ने अलग समा बांधा।